Good morning all. Welcome to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta. And काफ़ी सारे एजुकेशन वीडियोस करने के बाद लगा मुझे कि क्यों ना कोई एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों के साथ डायरेक्ट डिस्कशंस हो रिगार्डिंग कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव. आप अपनी लाइक अपने करियर के लिए आप क्या सोच रहे हैं और उसे कैसे अचीव करना चाह रहे हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी टेंथ किया हुआ है बट आगे क्या करना है उसके लिए वो कंफ्यूज हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ट्वेल्थ कर चुके हैं बट टेक्नीस की दे डिसाइड वन काइंड ऑफ पाथ. उन्होंने अपना लाइक उन्हें बायो करना है, फाइनेंस करना है या फिर उन्हें लाइक आपका अकाउंट्स करना है. इस बेस पर उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बट स्टिल नॉट डिसाइड देयर करियर. तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी आप ही जानते हो जो समय चल रहा है, इट्स अ टाइम ऑफ लॉकडाउन. ये लॉकडाउन का समय एक ऐसा समय है कि अगर इस टाइम को आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो आप इजीली अचीव कर जाएंगे. इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले थिंक अबाउट योर फ्यूचर. ये एक ऐसा टाइम है, अभी आपको भी पता है एग्जामिनेशंस में समय है, है ना, या फिर अभी इतने टाइम से जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, उसके थ्रू आपने कुछ तैयारी अपनी कर भी ली होगी. तो क्यों ना थोड़ा सा समय निकाल के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए कि आगे क्या करना है, क्या बनना है. वो भी तो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वही डिसाइड नहीं होगा तो कितना भी आप आगे निकल जाओ आप हमेशा कन्फ्यूज ही रहेंगे. इसलिए एक गोल डिसाइड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना करियर चूज कर भी लिया है लेकिन अभी भी उनके मन में एक डाउट जा रहा है कि क्या मैंने सही चूज किया है. तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगी. तो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज तो यह है कि अगर आपने अभी तक अपने करियर के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है तो पहले आप सोचना शुरू कर दीजिए और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्कैन करना स्टार्ट कर दीजिए. आप थ्रू दी वेबसाइट्स, थ्रू दी यूट्यूब वीडियोस, थ्रू दी आपके जो पर्सनल सोर्सेज हैं उनके थ्रू आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर. लाइक अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको आईटी फील्ड में जाना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग, आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपको किसी गेम में इंटरेस्ट है, तो वो सब कुछ आप अपना डिसाइड करके उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखिए, उसकी करियर ग्रोथ पता करिए, उसके बाद अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करिए. मेडिकल में भी अगर देखा जाए तो मल्टीपल लाइन्स आपके सामने मौजूद होती हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर ही बनते हैं, आप उसमें बीडीएस भी जा सकते हैं, उसमें बीपीटी भी कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेके आगे काम कर सकते हैं. आगे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहां मैं आप लोगों को अभी से तैयारी करने के बारे में या अभी से इन्फॉर्मेशन गेन करने के बारे में क्यों बोल रही हूं. आपको भी पता है अगर बिना प्रिपरेशन के आगे बढ़ोगे इन दैट केस कहीं कोई ना कोई कमी अगर रह गई तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा. लेकिन अगर अभी से आप अपनी फुल प्रिपरेशन करके चलते हैं इन दैट केस रिग्रेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज आप उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों जानते रहेंगे, ठीक है ना. इसलिए फुल तैयारी के साथ आगे बढ़िएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा. एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये आप भी जानते हो, अभी जो समय होता है ना बहुत कीमती होता है. आप अगर ये सोचो कि क्यों विदाउट एनी डिसाइड कि आपको करना क्या है, वो आपने डिसाइड नहीं किया और आपने ये सोच लिया कि एक साल मैं इस चीज की प्रिपरेशन कर लेता हूं देन डिसाइड कि मुझे क्या करना है, एक साल थोड़ा सा ये कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, इन दैट केस आप ये भूल जाते हो कि आप एक साल अपने उस कॉम्पिटिशन में पीछे हो चुके हो. अगर आप बिना तैयारी के कोई भी मतलब बिना किसी सोच के, बिना किसी डायरेक्शन के किसी तैयारी के लिए रुकते हो तो वहां पर आप अपने आप को गलत कर रहे हो अपने साथ. इसलिए सबसे पहले ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो. इसके लिए आप अपनी खुद की एक पिक्चर क्लियर करो. जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे टाइम पर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे. मैंने खुद को सोचा, समझा कि क्या वो जो कर रहे हैं वो मेरे लिए सही है, क्या मैं अपने आप को वहां देखना चाहती हूं. मैंने अपने आप को फ्यूचर में रियलाइज किया कि नहीं, ये पोस्ट मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं बैंकिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखती ही नहीं थी. मेरा जो फील्ड था, जो मुझे इंटरेस्ट आता था, वो था लोगों से इंटरेक्शंस करने में, पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट आता था. सो आई प्रिपेयर फॉर दी नेट. मैंने यूजीसी नेट दिया, उसे क्लियर किया क्योंकि वो मेरे लिए मुझे लगा कि एक राइट बात है. उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने गेन करी, उसके बारे में लोगों से सजेशंस लिए कि क्या है वो, किस तरह से उसे करते हैं,
इसका फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है, वो उन सारी चीजों को मैंने जब सुना तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आया एज कम्पेयर टू बैंकिंग प्रिपरेशन। उसी तरह से मेरे जो साथ थे लोग, उनको बैंकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आया एज कम्पेयर टू नेट प्रिपरेशन। तो आपको अपना खुद का डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टास्क में जाना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप भी जानते हो कि एक बार क्या हुआ कि अगर आपने अपना कोई पॉइंट क्लियर नहीं किया, ठीक है, आप किसी जॉब में एंटर कर गए, तब क्या होगा, आपने जॉब में एंटर किया, इन दैट केस आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, आपको कोई क्लियरिटी ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, आपको ये क्लियरिटी नहीं है कि इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू फील स्ट्रेस, यू फील फ्रस्ट्रेशन, और वहीं पर आप अपने आप को धीरे धीरे एक तरह से कह सकती हूँ कि गंवाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट वो नहीं था। जैसे कई लोगों ने आपको एग्जांपल दिया भी होगा, मैं भी वही एग्जांपल सेम देने जा रही हूँ, दैट इज द मूवी ऑफ थ्री इडियट। थ्री इडियट मूवी में आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जो इरफान, आई थिंक द नेम ऑफ पर्सन, उसको जो करना था वो था फोटोग्राफर बनना था, बट हो क्या रहा था, उसके पापा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, बट उसने उसमें क्या बोला अपने पापा को कि अगर मैं पैसे कम भी कमाऊं लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट का काम करूंगा तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो इसलिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी करियर चूज करो वो ऐसा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप उसे जियोगे, फिर सिर्फ काटोगे नहीं। लाइफ को आपको जीना है, काटना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अगर लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी इंटरेस्ट की फील्ड चूज करो, ठीक है। आप कैसे करोगे, ये पॉइंट आता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं कॉपीज में, कि अगर हम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को हम अगर एनालाइज करेंगे तो हम अपने टास्क तक पहुंच सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, आस्क योरसेल्फ कि आप की कंसंट्रेशन पावर क्या है, आस्क योरसेल्फ कि आप अपने आप को कहां रख रहे हैं, ठीक है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए। सॉट एनालिसिस आप सभी ने सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा, SWOT, सॉट एनालिसिस। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी, T थ्रेट। आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपको क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या आपके लिए खतरे हो सकते हैं, उन सभी की एक पूरी लिस्ट बनाइए। इट्स ऑल अबाउट यू। हो सकता है अभी तक आपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्पेक्टिव से ये पढ़ा होगा, बट नाउ यू प्रिपेयर अ लिस्ट अबाउट योरसेल्फ। आप अपने लिए एक लिस्ट तैयार कीजिए, जो लिस्ट आपने तैयार की हुई है उस लिस्ट पर वर्कआउट स्टार्ट कीजिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि जो करियर्स ऑप्शंस आपके पास मौजूद है उन करियर ऑप्शन में से किस में आप फिट बैठते हैं। जब आपने इसे डिसाइड कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, तब आप देखोगे कि आपके लिए रास्ता चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सॉर्ट एनालिसिस वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। एज वेल एज ये भी आप जानते हो कि जब भी आप किसी टास्क को करते हो या कोई अगर एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हो तो काफी सारी सर्च करते हो, सब करते हो, तो फिर सोच के देखो कि अपने करियर को लेकर इतना लाइटली आप कैसे हो सकते हो, जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी पूरी लाइफ उस पर निर्भर करती है। तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा समय निकाला जाए और उसको तैयार किया जाए, ठीक है ना। आप बचपन से ही अपने आप को देखते हुए आए हो। अगर हाँ, एक और चीज है, अगर आपको दिक्कत हो रही है खुद को एनालाइज करने में, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, जो आपको इजीली बता सकते हैं आपकी पूरी हिस्ट्री देखकर कि आप किस फील्ड में ज्यादा अच्छा करेंगे, ठीक है। बट एक बात और ध्यान रखना, सभी आपको अपने ओपिनियन बताएंगे, सभी आपको अपने सजेशंस बताएंगे, बट लास्टली करना क्या है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपका करियर पाथ आपका है, वो आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है ना। चलिए, मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट टाइम, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी लास्ट में कि आप अपना सॉर्ट एनालिसिस करिए और अपने करियर को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये मान के चलिए अब भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।